सुबह की प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए आपने हमें संभाल करके रखा है। प्रभु हम आपके चरणों में आकर के इस प्रार्थना को करते हैं विश्वास के साथ। उन मसीह भाई बहनों को जो वीडियो पर कमेंट करते हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज उनको ब्लेस करिए कि आज वो आपके कार्य को कर पाए प्रभु, और आप उनके जीवन में जो भी कार्य है, मुसीबत है, तकलीफ है, उनको हटाइए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। प्रभु जो उनके कार्य रुके पड़े हुए हैं परमेश्वर उन पे आशीष दीजिए और वो कार्य करने पाए। जो आप पर वो सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह कार्य, उन पर आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद, और आज आपने हमें नया जीवन दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिंदा जीवित हो वो परमेश्वर। आज के दिन मेरे सारे कार्यों को आपके नाम पर मैं सफल बनाता हूं प्रभु, और खुदावन अपने परिवार को और अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को सौंपता हूं परमेश्वर। अपने परिवार के हर लोगों को सौंपता हूं और आसपास के लोगों को ये मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि प्रभु आपके चरणों पर आए और प्रार्थना करें और हमारे परिवार में आप शांति बनाए रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित हो परमेश्वर। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके परिवार में जो भी दिक्कत है, मुसीबत है, परिवार में टूटते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप बचाइए। आप उनको आशीष दीजिए जिनके माता पिता भाई बहन परिवार से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार में सुख शांति आए प्रभु, और आपसे प्रार्थना करें, आपका सुसमाचार का प्रचार करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके जो नकारात्मक विचार और शक है उनको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के तमाम प्रकार के दुख हैं और बीमारियां हैं प्रभु, हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर आज सुंदर से समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को दूर कीजिए। जो आपके ऊपर कार्यों को सौंपते हैं प्रभु, उनके कार्यों को देखिए और उनको आशीष दीजिए परमेश्वर कि आपके वो कार्य को कर पाए प्रभु और अपने कार्य को कर पाए। धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर आपने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो विश्वास करते हैं आपके बेटे पर, वो भरोसा रखते हैं क्योंकि मात्र खुदा एक हमारे पास है, वो हमारा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में, इस सृष्टि में जो चीज बनी है परमेश्वर ने आपने रचा है, आपने बनाया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए, ज्योति उन पर चमके, उनके चेहरे पर हंसी रहे, खुशी रहे पिता परमेश्वर। हम उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, उनको आप बीमारियों से आजाद करें। उनकी जो भी तकलीफ है, मुसीबत है परमेश्वर आप जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं, आप तो सबके मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करें परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो चलने पाए, कूदे पिता परमेश्वर, अच्छी आंखों की दृष्टि पाए और वो सुनने पाए पिता परमेश्वर, शक्ति पाए प्राप्त करे परमेश्वर, और वो देखने पाए और वो कूदे और चले और गूंगे जो है बोलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। दुर्घटना के तमाम प्रकार के प्रभाव से वो ठीक हो जाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। टूटी हड्डियां जुड़ जाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी तकलीफ है, मुसीबत है, उनको देखिए प्रभु, उनको नशे से दूर कीजिए। जो लोग नशे में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप दूर कीजिए, उनको निकालिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है प्रभु। हर एक मसीह भाई बहन आपको आपको पिता परमेश्वर परमेश्वर उनके जीवन में कार्य को करिए पिता परमेश्वर, उनको सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद और सारी महिमा आपको केवल मिले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से परमेश्वर। आप उन सब मसीह भाई बहनों को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं।